हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल गुरु। अभी आज मैं आपके साथ लाया हूँ स्क्रीनशॉट्स, ऐसे स्क्रीनशॉट्स जो लास्ट ईयर में लिए गए और जिनको बेस्ट स्क्रीनशॉट्स कहा गया और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक। और ऐसा जानने के लिए देखिएगा इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि एंड में है एक फनी स्क्रीनशॉट और जो इंडियन स्क्रीनशॉट लिया गया है। लेकिन इससे पहले देखो कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट जो इस वक्त ट्रॉलिंग है। जैसे कि ये पहला स्क्रीनशॉट आप देखेंगे, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, आपके दोस्तों में से किसी ने, फैमिली में से किसी ने ये डाला होगा मैनेजमेंट के बारे में, कि जब कुछ फ्री होता है तो आप प्रोडक्ट होते हैं तो हमेशा एक हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है किसी भी फ्री प्रोडक्ट के पीछे, राइट। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में अगर आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा स्क्रीनशॉट मुझे लगा। इसमें आप देखेंगे एक पर्सन ने पेंट ब्रश लिया और पेंटिंग करने ड्रॉ की और उसके बाद उसने शर्ट के ऊपर एक स्पाइडरमैन का फेस बनाना शुरू किया। देन उसने उसके ऊपर थोड़ा रेड कलर्स फिल किए एंड उसके बाद उसने स्पाइडरमैन का एक जो टॉय है, जो एक खिलौना है, मॉडल है, वो एक साइड में खड़ा किया और उसका हैंड उस तरफ को पॉइंट कर दिया जिस तरफ को वो ड्रॉ कर रहा था। देन उसको इस मोमेंट में लाया कि जैसे स्पाइडरमैन उसके आसपास घूम रहा हो और नेक्स्ट पिक में उसको उसके आसपास बिठा दिया। देयर आफ्टर स्पाइडरमैन अपने स्पाइडरमैन के पिक को देख रहा था, आराम से घूर रहा था उसको और लास्ट पिक में स्पाइडरमैन उस शर्ट को लेकर चलता बना। दिस इज़ द वेरी नाइस स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट्स चाहिए हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं और अदरवाइज यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगेगा और आपका बेस्ट, आपका फेवरेट स्क्रीनशॉट कौन सा रहेगा, प्लीज़ उसको जरूर शेयर करें, उसका नंबर जरूर शेयर करें जो आपको अच्छा लगेगा स्क्रीनशॉट। हमें उम्मीद रहती है कि हम आपके पास इतना मेहनत करके वीडियो लाते हैं, तो आप प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको कौन सा स्क्रीनशॉट बेस्ट लगा। चलिए चलते हैं थर्ड स्क्रीनशॉट की तरफ। एक तीसरे स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे एक फनी सा स्क्रीनशॉट। यह हर घर की कहानी है, जब पेरेंट्स पूछते हैं बच्चों को कि तुम हमेशा फ़ोन पे क्यों लगे रहते हो, हाँ, और तुम कोई काम नहीं करते हो, तो हम तो बहुत सारे बच्चे पे जो गूगल पे वो यही ढूंढते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड कैसे फील कराएं, हम अपने मम्मी को प्राउड कैसे फील करवाएँ, कैसे वो बताएं कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज आज की जनरेशन में मोबाइल और कंप्यूटर्स एक नेसेसिटी बन गया है। नेक्स्ट जो फोर्थ है, ये कुछ फन फैक्ट्स हैं, अगर आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें पहला ये लिखा है कि आप अपने कानों को बिना शीशे के नहीं देख सकते। दूसरे में लिखा है आप अपने बाल नहीं गिन सकते। तीसरे में ये लिखा है कि आप नाक से सांस नहीं ले सकते अगर आप जीभ बाहर निकालोगे। ये आपने बहुत सालों में सुना भी होगा। फोर्थ में ये लिखा है कि आपने तीसरे नंबर वाले को ट्राई किया है। और नेक्स्ट में लिखा है कि जब आपने तीसरे को ट्राई किया तो आपको ये पता लगा होगा कि आप एक डॉग की तरह जीभ बाहर निकाल के सांस ले रहे थे। सेवन में लिखा है कि आप इस वक्त हंस रहे हो क्योंकि आपको ये लगा है कि आप एक डॉग की तरह सांस ले रहे थे। और आठवें पॉइंट में ये लिखा है कि इतने सारे पॉइंट्स किए लेकिन उसमें पाँचवा पॉइंट था ही नहीं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो फिफ्थ पॉइंट था ही नहीं, तो आपने देखा कि वहाँ पर फिफ्थ पॉइंट नहीं था। और क्योंकि ये एक फन फैक्ट था तो उसने वहाँ पर नीचे लिखा है कि आई वॉन्ट माई लाइफ। ये नेचुरली इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए एक स्टेटस बना है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास जो था, इसमें ये जो स्क्रीनशॉट है ये लिया गया है 1983 वर्ल्ड कप से, जहाँ पे जब कपिल देव ने जीता था तो वहाँ पे एक हैंड रिटन पोस्टर के साथ वो खड़े नजर आए और इस पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि हमने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया, ऑस्ट्रेलिया को 118 रन से हराया, वेस्ट इंडीज़ को 34 रन से, जिम्बाब्वे को 5 विकेट्स एंड 31 रन से। सो आप हमें जितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करोगे हम उतना अच्छा खेलेंगे। इस वक्त की पिक है जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट इज मीट कृष्णा पुजारी। ये कृष्णा पुजारी हैं जिनकी एज है 53 ईयर की और ये एक नॉर्मल लेबर में काम करते हैं। जब इनको ये पता चला कि एक रेलवे ट्रैक पे छोटा सा क्रैक आ गया है जिसके कारण कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये 6 किलोमीटर भागे सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि वहाँ पे आगे क्रैक है। और आपको ये बता दें कि इनकी टांग में प्रॉब्लम थी और इसकी बिना परवाह किए हुए इन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी को होने से बचाया। तो ये भी एक स्क्रीनशॉट इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट इज दिस वन 7th, थोड़ा वल्गर है लेकिन थोड़ा फनी है। इस केस में आपको एक फुट मैट दिखा है जिसके ऊपर कुछ वर्ड्स में लिखा है नाइस इंटरव्यू और नीचे एक पर्सन ने कमेंट किया है परफेक्ट डोर मैट डजंट एग्जिस्ट। ऐसा
डोरमैट एग्जिस्ट नहीं करता, तो नेचुरली बहुत अच्छा सा एक आप देख सकते हैं सामने बनाया गया स्क्रीनशॉट। ये एक वॉलपेपर है जो पोस्ट कार्ड इंग्लिश फेसबुक पेज पे पोस्ट किया गया, जिसमें एक 12 अवतार विष्णु जी की फ़ोटो बनाई गई और उनके मुख पे आप देख सकते हैं धरती रखी गई है। तो इसमें ये कहा गया कि माना जाता है कि 5th century से पहले धरती फ्लैट थी, लेकिन 12 अवतार श्री विष्णु की अगर ये पिक देखी जाए तो इसमें पता चलता है कि धरती फ्लैट नहीं, स्फेरिकल शेप में थी। तो इसमें ये कहा गया कि क्यों सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है। 9th picture, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये एक पर्सन की टांग है जो वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, और उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियंस के लिए इतनी प्रैक्टिस की कि उनकी टांग की हालत आप देख सकते हैं इस तरह उनकी टांग हो गई थी। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इज 10th point, ये भी मेरा एक फेवरेट स्क्रीनशॉट रहा है। इसमें एक हस्बैंड की बात की जा रही है। इस हस्बैंड ने, जो उनकी वाइफ थी, वो डिप्रेशन की शिकार थी और ब्लाइंड थी, तो उनका डिप्रेशन दूर करने के लिए उसने कई हज़ारों की तादाद में फूल लगाए ताकि उनकी जो खुशबू है उससे इनकी जो वाइफ है वो ब्लाइंड होने के डिप्रेशन से बाहर आ सके। आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर्स यहाँ पे लगे। नेक्स्ट इज 11। दोस्तों लास्ट तक जरूर रहना, लास्ट में एक फनी स्क्रीनशॉट आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। और अगर आपको स्क्रीनशॉट्स पसंद आए और आपका फेवरेट स्क्रीनशॉट कौन सा रहा, जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इज, ये माना जाता है एक कुछ पेड़ों की पिक्चर दिखाई गई है। तो इसमें दिखाया गया है कि जीसस के बर्थ से पहले से जो पेड़ मौजूद थे उनमें से आज भी 14 पेड़ इस धरती पे प्रेजेंट हैं, है ना, एक अलग फैक्ट। और ये भी एक ट्रोलिंग, एक बहुत यू नो ट्रेंडिंग स्क्रीनशॉट है इस वक्त सोशल मीडिया पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12th पे। 12th में ये बहुत अच्छा एक आपको मैसेज पढ़ने में आएगा। 2015 में BMW ने एक विज्ञापन दिया कि हम अप्रैल फूल डे स्पेशल मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अपनी पुरानी कार लेके आइए और हम आपको नई BMW देंगे। अब क्योंकि ये अप्रैल फूल था तो इसलिए सभी बाकी लोगों को लगा कि ये कोई मजाक है जो BMW कर रही है, ये एक प्रैंक है जो BMW कर रही है। लेकिन एक लेडी ओल्ड निसान कार लेके सीधा BMW के पास चली गई अपनी पुरानी गाड़ी लेके, उसको लगा ये रियल है। एंड नो, आपको ये हैरानी होगी कि ये सच था और BMW ने उनको नई कार दे दी और वो भी रियल में। और उस कार के अगर आप आगे देखेंगे उसके बोर्ड पे, नंबर बोर्ड पे, तो वहाँ पे लिखा है नो फूल, और वो साथ में एडवर्टाइजमेंट भी लेके गई थी। राइट, तो इस एडवर्टाइजमेंट के ठीक नीचे आप पढ़ोगे अप्रैल फूल डे स्पेशल, नीचे जहाँ पे इन्होंने आ रखा है वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दिस इज अनदर स्क्रीन शॉट विच इज ट्रॉलिंग ट्रेंडिंग। नेक्स्ट इज 13। इसमें आप देखेंगे एक बड़ा फनी सा स्क्रीनशॉट है बट रियल है। आजकल हम फिट बैंड डालते हैं, तो एक वॉमन ने अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको धोखा देते हुए पकड़ा, क्योंकि दोनों की जो फिटबिट थी, जो वो घड़ी डालते थे फिटबिट प्रो, दोनों की घड़ी जो थी वो सिंक थी, यानी कि एक दूसरे से सिंक रहती थी। तो सुबह करीब 2 बजे उसको एक मैसेज आया फिटबिट पे, एक स्पाइक जगी, लाइट जली उस वॉच की, और उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन आई कि आपने 500 कैलोरीज बर्न किए हैं सुबह 2 बजे। तो सुबह 2 बजे उनके बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ पकड़े गए। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन शॉट है ना फनी और ट्रॉलिंग भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 14th पे। ये एक बहुत क्यूट स्क्रीन शॉट है। जब भी जो रेड पांडास हैं, जब भी उनको डर लगता है तो वो अपने पंजों को कुछ इसी तरह से उठा लेते हैं ऊपर की तरफ, ताकि वो अपने आप को खतरनाक दिखा पाए और जिससे दूसरा डर जाए। और देखें कितने क्यूट ये लग रहे हैं अपनी तरफ से, ये खतरा, यानी कि ये दिखा रहे हैं कि अगर आप मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं बहुत खतरनाक हूँ। दे आर सो क्यूट। नेक्स्ट इज 15th स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट अपने इंडिया का, अपने भारत का दोस्तों, जहाँ पे आप देखेंगे ये डाउकी रिवर है मेघालय में, और इसका जो पानी है वो इतना साफ है कि आप बोटिंग करते करते आप पानी के नीचे, यानी कि पानी के नीचे क्या क्या है वो सब इसमें ट्रांसपेरेंट दिखा। 3 डिफरेंट एंगल से ये फोटो ली गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में पानी बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर नज़र आ रहा है, इतना साफ पानी मुझे तो नहीं लगता वही हमारे इलाके में ऐसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 16th स्क्रीनशॉट। ये एक फनी स्क्रीनशॉट था। इसमें कहा गया कि जिन लड़कों के बाल
125 मतलब इस तरह से होते हैं, लड़कों के बाल इस तरह से होते हैं, तो 125% ये चांस है कि वो अच्छे लड़के हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे बाल कहीं आपके तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज 17th पॉइंट आप देखेंगे एक फनी स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया गया। इसमें लिखा गया कि मैंने एक किताब देखी जिसमें ये लिखा था कि आप 50% प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो मैंने दो किताबें खरीदी क्योंकि ये बंदा चाहता था कि इसकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाए, 100% इसकी प्रॉब्लम का सलूशन हो। तो नीचे एक पर्सन ने कमेंट लिखा कि इडियट, तू एक ही बुक को दो बार पढ़ लेता, तुझे दो बार बुक लेने की क्या ज़रूरत थी। तो ये भी एक फनी स्क्रीनशॉट रहा दोस्तों। अब हम आ रहे हैं उस स्क्रीनशॉट की तरफ जो मैंने शुरू में कहा था कि ज़रूर देख के जाना। 18th स्क्रीनशॉट हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टीचर ने, आजकल जो ऑनलाइन स्टडी चली है, तो टीचर ने एक मैसेज पास किया कि अपना होमवर्क दिखाइए। तो एंड्रॉयड यूज़र ने तो नॉर्मल एक स्क्रीनशॉट लिया पेज का और भेज दिया। आईफोन यूज़र ने अपना आईफोन दिखाने के लिए पेज को मिरर के सामने रखा, अपने साथ में सेल्फी ली और भेजा। और एक हमारे जैसे कोई स्टूडेंट दीपक सानी, जिनके पास नॉर्मल नोकिया फ़ोन था, उन्होंने बड़ी वहाँ पर लिखा है कि मेरे पास नोकिया 3310 है जी, और मैंने बड़ी मुश्किल से दो हंसने वाले इमोजी भेजे हैं, मैं होमवर्क नहीं भेज पाया। 19th स्क्रीनशॉट चलते हुए था, ये भी एक फनी स्क्रीनशॉट था। यहाँ पे कोलोराडो में एक जो हिरन है वो एक दुकान में घुसा है, पर जैसे वो दुकान में एंटर हुआ तो दुकानदार ने उसको कुछ चॉकलेट्स और कुछ चॉकलेटी बिस्किट्स उसको खिलाए, जिसके बाद वो वापस गया हिरन, और उसके बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ आधे घंटे बाद उस दुकान में फिर से एंटर हो गया। तो अब सेकेंड पिक में देखेंगे उसकी पूरी फैमिली ही अब खाने पहुंच गई है। तो चलिए दोस्तों, आज का लास्ट स्क्रीनशॉट जो कि है इंडियन स्क्रीनशॉट और फनी स्क्रीनशॉट ये रहा। देखिए इसमें सबसे पहले लड़की ने लिखा, अपने स्टेटस पे डाला, लॉन्ग हेयर इज माई लव, मैं अपने लंबे बालों से प्यार करती हूँ। और नीचे एक आईडी थी जिस बंदे का नाम भी लॉन्ग हेयर था, और उसने कमेंट में लिखा आई लव यू टू माई बी। सेकेंड में देखेंगे आप, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो आपके फ़ोन चलाते वक्त आपके फ़ोन पे पूरी निगाहें लगाए रखते हैं। अब देखेंगे इस पिक में भी ऐसा ही लिखा है, और उस पर्सन ने जो दूसरे पर्सन था उसने मोबाइल में लिखा आजा घुस जा मेरे फ़ोन में। तो जब उसने ये पढ़ा और उसको शर्म आई और वो दूसरी तरफ घुस गया। ये ट्रिक आप भी आजमा सकते हैं अगर आप में आपके दोस्तों में से कोई ऐसा है जो आपके फ़ोन पे निगाहें टिका के रखता है। और लास्ट स्क्रीन शॉट में देखा हमने कि एक पर्सन ने शॉट पर लिखा था, सॉरी गर्ल्स आई ओनली डेट मॉडल्स, मैं सिर्फ मॉडल्स के साथ ही डेट पे जाता हूँ। तो जो नॉन मॉडल गर्ल्स थी उन्होंने जब ये पढ़ा तो कुछ इस तरह से उन्होंने रिएक्शंस दिए। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट्स पसंद आए, आपका फेवरेट कौन सा रहा ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, आपके लाइक्स की बहुत ज़रूरत होती है। शेयर कीजिए वीडियो जितना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।